मॉर्निंग किड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जो भी वीडियोस हम आपको भेजते हैं और जो भी वर्क हम आपको देते हैं वो आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे, और जो भी हमारे वीडियोस है उसे भी आप लाइक कर रहे होंगे। ओके, तो चलो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश लॉन्ग वोवल साउंड आई। आज हम आई कंप्लीट करेंगे। ओके, लेट्स रीड एंड राइट। हम रीड भी करेंगे और फिर राइट भी करेंगे ताकि जो भी स्पेलिंग है वो अच्छे से हमें याद हो जाए। साउंड आई, पहला यहाँ पे कुछ ड्राइंग भी दिए हुए, उनके नाम दिए हुए हैं। तो पहला है PILOT, पायलट। PILOT, पायलट, जो प्लेन उड़ाता है उसे हम पायलट कहते हैं। नेक्स्ट IDEA, आइडिया। IDEA, आइडिया मतलब कोई भी चीज़ हम सोचते हैं तो वो क्या है, हमारा आइडिया। नेक्स्ट है इस्त्री, हम जो कपड़े इस्त्री करते हैं ना, आयनिंग भी बोलते हैं ना, तो IRON, आयन। IRON, आयन। नेक्स्ट है हम सबकी फेवरेट आइसक्रीम, ICE CREAM, आइसक्रीम। ICE CREAM, आइसक्रीम। ये वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए, सेम वर्ड्स आपको यहाँ पे 3 times लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड्स है साउंड EA। अब हम जो स्पेलिंग पढ़ेंगे वो EA वाले होंगे। पहला हमारा स्पेलिंग है और यहाँ पे पिक्चर्स है, वो है स्माइल, SMILE, स्माइल, SMILE, स्माइल। स्माइल मतलब तो आपको पता है ना क्या होता है। नेक्स्ट है फाइल, FILE, फाइल, FILE, फाइल। फाइल वो चीज़ होती है जिसमें हम हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या बुक्स होती है संभाल के रखते हैं जिस फोल्डर में, उसे हम फाइल कहते हैं। नेक्स्ट है नाइफ, ये के से स्टार्ट होता है पर जो के है वो साइलेंट वर्ड है। ओके, साइलेंट लेटर है, KNIFE, नाइफ, KNIFE, नाइफ। नाइफ यानी चाकू या तो छुरी। नेक्स्ट है नंबर 9, NINE, नाइन जो 1, 2, 3 में आता है नंबर, वो 9। ओके, नेक्स्ट है KITE, काइट, KITE, काइट। काइट यानी पतंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है BIKE, बाइक, BIKE, बाइक। और ज़्यादातर हम गुजराती में भी उसे और हिंदी में भी उसे बाइक ही बोलते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साउंड IGH, साउंड IGH। अभी जो स्पेलिंग हम पढ़ेंगे वो IGH साउंड वाले होंगे। ओके, लेट अस रीड, LIGHT, लाइट, LIGHT, लाइट। जो लाइट हम डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, सीरीज भी बोलते हैं हम उसे, वो लाइट, और कोई भी लाइट। ओके, चलो नेक्स्ट है NIGHT, नाइट, NIGHT, नाइट। नाइट यानी रात। चलो नेक्स्ट FLIGHT, फ्लाइट, FLIGHT, फ्लाइट। जो एरोप्लेन होता है उसका दूसरा वर्ड, उसे हम फ्लाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है BRIGHT, ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट। मतलब जब भी हम कोई लैंप जलाते हैं तो उसमें से जो रोशनी आती है वो कैसी होती है, तो ब्राइट। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साउंड IE। अब जो हम वर्ड रीड करेंगे उसमें कौन सा साउंड आएगा, तो IE वाला। चलो यहाँ पे पिक्चर्स है सेम टू सेम और यहाँ पे उनके स्पेलिंग है। पहला है ये जो देख रहे हैं आपको केक के जैसा, पर वो केक नहीं है, उसे हम पाई बोलते हैं, PIE, पाई, PIE, पाई। नेक्स्ट है TIE, टाई, TIE, टाई। जो हम ऐसे पहनते हैं ना सूट के साथ, वो टाई। फिर यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है, वो क्या कर रही है, तो क्राई, CRIED, क्राई, CRIED, क्राई। यहाँ पे एक बॉय है जो काम करके थक गया है, उसे हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, टायर्ड, TIRED, टायर्ड, TIRED, टायर्ड। टायर्ड मतलब बहुत थक जाना।
नेक्स्ट है फ्राइड, एफ आर आई ई डी फ्राइड, एफ आर आई ई डी फ्राइड। फ्राइड यानी कोई भी चीज़ जिसे हम तेल में तलते हैं, ऑयल में फ्राई करते हैं, तो कैसी चीज़ हो जाएगी? फ्राइड। यहाँ पे तीन ब्लैंक्स दी हुई है, वो तो ये सारे वर्ड आप थ्री टाइम लिखेंगे। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साउंड वाई। अब जो भी हम वर्ड्स देखेंगे वो साउंड वाई वाले होंगे। पहला है फ्लाई, एफ एल वाई फ्लाई, एफ एल वाई फ्लाई। ये फ्लाई मतलब उड़ना नहीं है, ये जो मक्खी होती है उसे हम फ्लाई बोलते हैं और उसका पूरा नाम है हाउस फ्लाई। ओके चलो नेक्स्ट, सी आर वाई क्राई, सी आर वाई क्राई, क्राई मतलब रोना। यहाँ पे देखो ये साइकिल, सी वाई सी एल ई साइकिल, सी वाई सी एल ई साइकिल। नेक्स्ट वर्ड है ए डबल पी एल वाई अप्लाई, ए डबल पी एल वाई अप्लाई मतलब कोई भी चीज़ जो फॉर एग्जाम्पल कोई रूल्स होते हैं कि हमें उस चीज़ को फॉलो करना है होता है, तब हम अप्लाई वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फिर है वाई, क्वेश्चनिंग वर्ड है ये डब्ल्यू एच वाई वाई, डब्ल्यू एच वाई वाई। जब भी कोई हमें कोई क्वेश्चन करता है कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो क्यों का इंग्लिश वर्ड है वाई। ओके नेक्स्ट है डी आर वाई ड्राई, डी आर वाई ड्राई, ड्राई मतलब सुखाना। ये गर्ल है वो ये ड्रायर से अपने बाल सुखा रही है। ओके चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनस्क्रेबल द लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो उल्टे पुल्टे है ना, तो वो वर्ड्स को हमें सीधा स्पेलिंग लिखना है। ये आड़े टेढ़े रॉन्ग स्पेलिंग दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे हम जंबल वर्ड्स भी बोलते हैं। ओके तो जंबल वर्ड्स को हमें राइट करना है, पहले तो करेक्ट यहाँ पे लिखना है वन टाइम, और फिर बाकी के टू टाइम जो आपने करेक्ट स्पेलिंग लिखा है उसे आप रिपीट करेंगे। तो ये वाला जो पेज है ये आप अपने आप से करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सारे स्पेलिंग ऑलरेडी ऊपर मैंने आपको रीड करवा दिए हैं। पहला है आयन, फिर ये है फ्लाइट, फिर ये बाइक, नाइफ नाइन एंड पायलट। तो ये उसके स्पेलिंग ऑलरेडी ऊपर है, तो पहले यहाँ पे आपको राइट स्पेलिंग लिखने हैं वन टाइम, और वो जो राइट स्पेलिंग आप लिखेंगे वही स्पेलिंग को आपको टू टाइम रिपीट करना होगा। ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्टिविटी ड्रॉ एंड कलर एनी पिक्चर दैट हैव शॉर्ट वोवल साउंड ओ। यहाँ पे हमें कोई भी पिक्चर ड्रॉ करना है ओ पर शॉर्ट वोवल साउंड वाला। ओके मैं आपको नीचे दिखाती हूँ हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये रहा बो, बो यानी रिबिन, जब हम रिबिन को ऐसे गांठ बांधते हैं तो वो बो बन जाता है। तो वो हम यहाँ पे मैं आपको एक बार ड्रॉ करके भी सिखाऊंगी, फिर आप अपने आप ड्रॉ करेंगे और नीचे उसका नाम लिखेंगे। बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बो ड्रॉ करना सिखाऊंगी। ओके पहले आप इस तरीके से सर्कल करके ये हमारा बोर्ड ड्रॉ हो गया है। आप कुछ क्रिएटिव भी ड्रॉ कर सकते हो। दिस वॉज द सिंपलेस्ट ड्रॉइंग आई कैन डू। तो इसको आपको ऐसे इस तरीके से ड्रॉ करना है, बो बनाना है और उसको कलर भी करना है। आप आपकी चॉइस का कोई भी फेवरेट कलर यहाँ पे कर सकते हैं और नीचे यहाँ पे आपको उसका नाम भी लिखना है। मैडम थोड़ा ऊपर कीजिए, यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। ओके ये हमने बोर्ड ड्रॉ किया है ना, तो आपको यहाँ पे नाम भी लिखना है कि हमने क्या ड्रॉ किया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बी ओ डब्ल्यू बो। अगर आपको और कुछ ड्राइंग आता है शॉर्ट ओ ओवल साउंड में तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ पे आप नाम लिखेंगे बो। मैंने बो ड्रॉ किया है तो मैंने बो लिखा है। ओके आई होप बच्चों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है किड्स, तो स्कूल के प्रोवाइडेड नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट टीचर से बात करके अपनी डाउट को सॉल्व कर सकते हैं।
है ना बच्चों। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर पेज। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे किड्स।